हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल तारिन ब्लॉग्स में। और सुबह की टाइम है, मैं नहा ली हूँ। ये देखो, पूजा पाठ सब कुछ हो गई है, मैं नहा ली। और अभी भी बारिश जारी है, बारिश हो रही है, बारिश छूटने के नाम नहीं ले रही है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे को वैसे भी छुट्टी है आर्यन की, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आर्यन घर पे है और आज सैटरडे को मैं बना रही हूँ मोमोज। आज मैं नाश्ते में मोमोज बना रही हूँ, जो कि आर्यन को बहुत पसंद है। आर्यन के यहाँ सबको पसंद है, तो मैं बना रही हूँ। और उसकी रेसिपी आएगी आप लोग को, तो आप लोग देखना वहाँ जाके, ये ब्लॉग के बाद उसकी रेसिपी आएगी, तो आप लोग देखना और ढेर सारा प्यार देना। तो चलो, चलती हूँ मैं, अब जा रही हूँ बनाने, क्योंकि अभी 9:30 बज गया है, तो अभी सब नाश्ता करेंगे। तो चलो जल्दी से बना लेती हूँ, सारी तैयारी कर दी हूँ, बस बनानी है मोमो। तो चलो, और कैसी लग रही हूँ आज? तो अभी नहा ली मैं, बाल धोई, आज बाल गीला एकदम मेरे, देखो। तो चलो जाती हूँ मैं। और सारी दुकानें खुल गई है, खुटखाट चालू हो गया है, तो चलो चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, अभी आ गई मैं किचन में और सारी सब्जियों के चॉप करके ले ली हूँ मैं, जैसे कि प्याज है और हरी मिर्च है, पत्ता गोभी है, गाजर है। तो गाजर अभी सीजन वाला नहीं मिल रहा है, अभी यही गाजर मिल रहा है ऑरेंज वाला, तो मैं ले ली हूँ। और चलो अभी दूसरे बर्तन में डाल लूँगी, क्योंकि मैं प्लेट में रखी हूँ तो उसमें नहीं मिल पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं दूसरा बर्तन ले ली भगोना टाइप, और उसमें डाल दी सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है। और इसको इसमें डाल देना है नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना है, जितनी सब्जी है उसी हिसाब से डालना है। तो नमक डाल के और फिर इसको मिला देना है, अच्छे से मिला के इसको ढक के रख देना है, ताकि जो भी इसका पानी है तो सब पानी निकल जाए, पानी छोड़ दे सब्जियाँ, नमक डालने के बाद पानी छोड़ती है, तो इसीलिए इसको नमक लगा के ढक के रखना चाहिए। 10 मिनट बाद इसका पानी निकालूँगी। तो चलो सब्जी में से पानी निकाल लेते हैं। ये देखो, इसको हाथ के सहारे से, हाथ से प्रेस करोगे ना तो पानी निकलेगा, ऐसे देखो। तो हाथ से जल्दी से आटा लगा लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं फटाफट, और इसकी वीडियो आ जाएगी, इसकी रेसिपी, फुल रेसिपी आएगी दूसरे ब्लॉग में। तो बस चलो मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से, मोमोज बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो चलो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहो, कहीं मत जाना, आप लोग बस ब्लॉग में जुड़े रहो, ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो। बस चलो मैं जल्दी से अपना मोमोज की तैयारी कर लेती हूँ। बनके रेडी हो गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, देखो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो आर्यन का नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि आर्यन बैठा है अभी नाश्ता करने के लिए, नाश्ता के टाइम है, और आर्यन का नाश्ता दे, सबको नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से मैं, खाना वाना बनाने के बाद, आराम करने के बाद शाम को मिलती हूँ आप लोग से, क्योंकि बहुत काम है, जैसे कुछ भी बनता है तो बहुत सारा काम फैल जाता है। तो चलो मिलते हैं शाम को। तो अभी शाम हो गई है और ये देखो मेरा झुमका, तो आज झुमका पहनी, और अभी मैं आ रही हूँ रील्स बना के, और ढेर सारा रील्स बनाई हूँ, अच्छे अच्छे रील्स बनाई हूँ, तो इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगी, उस पर जाके आप देख सकते हो। और इधर दिखाती हूँ आर्यन की मस्ती, ये देखो कांच में तो आर्यन उधर है, और इधर चाय भी बना ली हूँ मैं, तो चाय बना के लेके आई, क्योंकि अभी टाइम होता है शाम के 5 बज गया है, तो बस झुमका उमका खोलूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी और चाय पीऊँगी अभी, क्योंकि रील्स जो बनाना था बन गया है रील्स, और काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से, मिलना क्या, ब्लॉग का यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि सुबह से ब्लॉग चल रहा है। और इधर आर्यन, हाय करो।
तो चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखना और ढेर सारा ब्लेसिंग देना, ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करो भाई, बहुत कम आ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोग का, तो चलो सपोर्ट करो मुझे भी और ताकि मैं भी आगे जाऊँ। तो चलो ऐसी अच्छी अच्छी रील्स, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।